क्या हाल है? बहुत दिन हो गया ब्लॉग बनाए हुए, आकिब रिकॉर्डिंग कर रहा है मुझे, थैंक्स आकिब। तो 3 महीने हो गए थे मुझे कैमरे दिए हुए कैनन वालों को, अप्रैल में मैंने लास्ट जमा किया था, लेकिन अभी 3 महीने हो गए और अभी तक कैमरा मिला नहीं। लेकिन आज कॉल आया कि सर आपका कैमरा आ गया, तो अभी जाना है कैमरा कलेक्ट करने। मेरे साथ सऊद है और आकिब जानते ही आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो चलिए आगे का सीन दिखाते हैं कुछ। में गिरेंगे तो ऐसी फटेगी कि आवाज तक नहीं है। और ये आखिर गाड़ी चलाते हुए ट्रिपलिंग, हम लोग कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, आप पास में ही जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज ये इस वीडियो को ट्विटर पे टैग ना करें और मेरी ना फाड़े। बगल में ही साउथ का फ्लैट है, वहाँ से कार लेने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ट्रिपलिंग है, बस पास में ही है, तो डोंट थिंक रॉन्ग से। चलो आखिर बाइक चला रहा है, ये यहाँ पे स्टंट करने की नाकाम कोशिश भाई आकिब कसाब ट्राई कर रहा है लेकिन हुआ नहीं। मैं भाई यहाँ पर मत करो, आ जाएंगे चचा लोग यहाँ पर फाड़ देंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा रुके हैं, कार निकाल के वो आ गए यहाँ पटना कॉलेज, यहाँ पर एक है कैंटीन, यहाँ पर रुके हैं थोड़ा देर के लिए ठंडा पीने के लिए। मेरे ये आकिब कपड़ा बदल लिया भाई ने, फेस वॉश करके आया घर से, बोला कि ब्लॉग में आएंगे तो फेस वॉश नहीं करेंगे। और सऊद तो अपने वैसे ही हाल में, और अपने भाई को तो आप लोग जानते ही हैं। अभी कार हम चलाएंगे तो देखते हैं कार में। तो एज यू कैन सी सऊद ने अपनी कार मुझे दे दी है भरोसा करके, लेकिन मैं वाला नहीं बनूंगा। अभी जा रहे हैं हम लोग एसपी वर्मा रोड, वहां से पहले कैमरा कलेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो बंद कर दो भाई कैमरा। अभी मैं कैनन सर्विस में हूँ, उनको बिल दे दिया, हो गए कैमरा लाने के लिए, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फोन पे। लेट्स चेंज इट टू माय कैमरा। तो अभी आपका भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है अपने कैमरा पे, कैनन M6 Mark II। तो मुझे कैमरा मिल चुका है, अभी वेट कर रहे हैं सऊद का। सऊद लोग गया है उधर कार लेकर, कुछ उन लोगों को सामान लेना है। एसपी वर्मा रोड आए हैं तो यहाँ मुझे कुछ कंप्यूटर का सामान लेना है, क्योंकि कंप्यूटर मेरा ऑन हो नहीं रहा, थर्मल पेस्ट लेना है, तो चलते हैं थर्मल पेस्ट लेने। आधा घंटा से इंतजार कर रहे हैं इन लोग का, भूख इतना लग रहा है, लेकिन बगल इन लोग में ना आ जाते हैं। बगल में ना सारे, तुम्हें घुमा के आना जरूरी था। अभी अभी KFC में सऊद पार्टी दे रहा है, अगर नहीं देगा तो आप लोग को मैं सऊद का इंस्टाग्राम ID दे दूंगा, जाके बोलना है KFC कहाँ है, अगर KFC नहीं खिलाएगा तो। अगर KFC में मिलते हैं, अगर किस्मत में रहा तो। वे बंटा है मालूम है ना, पीस आउट। तो KFC का टोपा दे के थे मेरे, छोला कुलचा खिला रहा है। जितना का बजट रहेगा उतना ना खिलाऊंगा, 100 रुपया का। गाइस देखिए इस इंसान को पहचान लीजिए, KFC का बोल के छोले कुलचे खिला रहा है यहाँ पर 20 रुपये में। ये मैं पटना के सड़कों पे, चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ी है। ये पटना का बुर्ज खलीफा लड़का वैक्सीन लगवा चुका है, ये हमारा। और ये है मेरा बिलव्ड स्कूल, यहीं से मैं पढ़ के निकला हूँ, हम सब का। हाँ एक्चुअली में हम तीनों यहीं से पढ़े। सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। चैनल का नाम बताओ। मेरे नाल मेरे यार जब हथियार गल बात बड़ी बड़ी साडी कार। तो अभी हम लोग यहाँ आए NIT छोले कुलचे के बाद, अभी यहाँ पर आए पानी पूरी खाने के लिए, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहेगा। इसके बाद जाएंगे हम लोग NIT, वहाँ बैठ के चाय पिए। ये सब आकिब का पार्टी है, KFC ना खिलाने का भुगतान भर रहा है ना। अरे 150 खाई में खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, रोल दे रहा है।
ये बटन दबाइए और अपने मन पसंद की पानी जाइए अपने पानी पूरी। तो वाह बहुत उम्दा खट्टा मीठा ख्वाब। यहाँ आइए ज़रूर, ये इनका व्हाट्सएप नंबर, खाइए एक बार, टेस्ट ज़रूर करिएगा NIT आकर आप लोग जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं NIT घाट की तरफ। ये है NIT पटना का, यहाँ पे राइडर के जो ये पटना का NIT और अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ, वहाँ पिएंगे चाय। हर जगह आपके ग्रुप में हर एक लौंडा ऐसा होता है बैक बेंचर जो हर जगह होता है, और हम लोग के ग्रुप में ये आकिब है बैक बेंचर्स, देखना। वैसे आज का सारा ट्रीट इसके तरफ से था, अभी यहाँ NIT पे चाय पियेंगे तो वो सऊद की तरफ से। 30 रुपये का पुचका भाई खिलाया, सऊद खिलाया, सॉरी माई बैड, पुचका सऊद खिलाया है, दिखाया है आकिब, लेकिन पकड़ेंगे सब अपना अपना। हम लोग अभी आप लोग हैं NIT पे, चाय यहाँ पी रहे हैं, यहाँ से फिर जाएंगे घर। जो थर्मल पेस्ट लिया है वो सिस्टम पे लगाना है, सिस्टम साफ सफाई करेंगे। तो थोड़ा सीन दिखा दो और मिलते हैं घर पे। हाँ भाई, तो मैं आ गया हूँ घर, पीछे मेरे सिस्टम है, देख लो भाई कितना ज़्यादा गंदा है ये, इसको साफ करना है। ये है वैक्यूम क्लीनर। हाँ, एक प्रो टिप, अगर आप कभी डस्टिंग कर रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिएगा वरना। तो सिस्टम का क्लीनअप हो गया है, उसमें थर्मल पेस्ट लगा दिया है, अब इस ब्लॉग को एडिट करना है। तो आप लोग से जल्दी मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। अब लोग तारीफ करे भाई की, तेरा भाई पहने ऊंचे ब्रांड जैसे नाइकी, नाइकी बस बातें तेरे भाई की, तेरा भाई करे कत्ल आम जैसे साइकी, फट जाएगी मेरे जैसा फ्लो लाने में बेटा तेरी।